हेलो। तो स्मैकडाउन की स्टार्टिंग करते हैं डैमेज कंट्रोल और बेली कॉल आउट करती है बियांका बेलेयर की टीम को। सो बियांका की टीम बाहर आती है और वो रिवील करते हैं कि उनकी टीम का फिफ्थ मेंबर बेकी लिंच है। और बेकी लिंच की एंट्रेंस होती है और दोनों टीम के बीच ब्रॉल स्टार्ट हो जाती है और इस ब्रॉल में अपर हैंड फेस टीम को मिलता है। तो ओपनिंग सेगमेंट सरप्राइज के साथ स्टार्ट होती है जो कि शो के लिए फैंस को हाइप कर देते हैं। इसके पहले रूमर्स आ गए थे कि बेकी लिंच फेस टीम को ज्वाइन कर सकती है। इसको मैंने लास्ट वीडियो की न्यूज़ में कवर भी किया था कि बेकी लिंच फिफ्थ मेंबर हो सकती है बियांका की टीम की। इसके बाद हमें वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के लिए मैच देखने को मिलता है बुच वर्सेस सेंटोस एस्कोबार। तो मैच तो ओके था बट मैच के बीच स्क्रीन पे देखने को मिलता है कि बैक स्टेज द ब्लडलाइन ने ड्रू मैकेंटायर और केविन ओवेंस पे अटैक कर दिया था। तो शेमस और रिज हॉलैंड बैक स्टेज चले जाते हैं ड्रू और ओवेंस को सेव करने। और यहाँ मैच में लेगाडो डेल फैंटास्मा टीम के डिस्ट्रैक्शन की वजह से बुच ये मैच हार जाते हैं और सेंटोस एस्कोबार ये मैच जीत जाते हैं और एडवांस करते हैं वर्ल्ड कप के फाइनल में। इसके बाद हमें देखने को मिलता है ब्रे वाइट का प्रोमो। ब्रे बोलते हैं कि लास्ट वीक मैंने एले नाइट पे अटैक नहीं किया था, वो मैं नहीं था, और क्या तुम सबको मॉन्स्टर देखना है? तो इस पर क्राउड पॉप देता है। और फिर ब्रे बोलते हैं क्या तुम सबको फीन देखना है? तो इस पर क्राउड और ज़्यादा पॉप देता है। ब्रे बोलते हैं पर अब मुझे वो मैन या मॉन्स्टर नहीं बनना है। फिर बिग स्क्रीन पे अंकल हाउडी आते हैं शायद और बोलते हैं ये दुनिया झूठों से भरी है, यहाँ मेरे पास आओ और देखो वो यहाँ क्या कर रहा है और वो तुम्हें पर्पस देगा, जागो वेकअप। ये बोल के ये सेगमेंट ओवर हो जाता है। ये वीडियो पैकेजेस हमेशा मिस्टीरियस होते हैं ब्रे वाइट के। इसके बाद मैच होता है हीट्रो वर्सेस द वाइकिंग रेडर्स और डोमिनेटिंग फैशन में विक्ट्री होती है द वाइकिंग रेडर्स की। इसके बाद और एक वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मैच होता है बिटवीन रिकोशे एंड ब्रॉन स्ट्रोमैन। डिसेंट मैच था लेकिन मैच में गंथर आते हैं और वो डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन को और इसका फ़ायदा उठा लेते हैं रिकोशे और ब्रॉन स्ट्रोमैन को रोल करके पिन कर लेते हैं और रिकोशे ये मैच जीत जाते हैं और एडवांस करते हैं वर्ल्ड कप के फाइनल्स में। इसके बाद रोंडा राउजी एंड शेना बेजलर वर्सेस शॉर्टजी ब्लैकहार्ट एंड रेकेल रोड्रिगोज टैग टीम मैच देखने को मिलता है जिसमें रोंडा राउजी रेकेल को आम बार लगा के टैप आउट करवा देती है और रोंडा राउजी एंड बेजलर ये मैच जीत जाते हैं। और फाइनली इट्स टाइम फॉर द मेन इवेंट मैन द ऊसोज वर्सेज शेमस एंड ड्रू मैकेंटायर एडवांटेज मैच। इस मैच का वो मोमेंट बहुत अच्छा था जब शेमस और ड्रू मैकेंटायर रोप में दोनों को अटका के द ऊसोज के चेस्ट पे पंचेस मारते हैं। इसके बाद देखने को मिलता है क्लेमोर ब्रोक किक सुपर किक फुल ऑन केओस हो रहा था, मैच अपने पीक पर पहुंच गया था। तभी रिंग साइड पे ड्रू मैकेंटायर सुसाइड डाइव लगाते हैं और सेमी जेन टैग टीम टाइटल से दो उसोस की हेल्प करने की कोशिश करते हैं जिसे केविन ओवेंस होने नहीं देते, लेकिन फिर भी सेमी जेन ट्राई करते हैं बट तभी रेफरी सेमी जेन को देख लेते हैं और रेफरी सेमी की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसका फ़ायदा उठा के केविन ओवेंस जे उसो को स्टनर लगा देते हैं। उसके बाद शेमस ब्रोक किक लगा के ये मैच जीत जाते हैं और फेस टीम ये मैच जीत जाती है। आज शो में रोमन रेंस नहीं थे जबकि ये लास्ट शो था सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम से पहले। मैं आज के शो को 3 स्टार रेट करूंगा। आपको कैसा लगा आज का स्मैकडाउन का एपिसोड, मुझे अपने रेटिंग और थॉट्स ज़रूर बताना। तो बस आज के लिए इतना ही, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह रेसलिंग से रिलेटेड न्यूज़ रूमर्स और इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।